आपकी आवाज क्यों चेंज हो गई संदीप? पता नहीं सर, खाना खाया होगा लगता अच्छा चलो है। ठीक है। और बाकी टाइम मैं भूखा ही बैठा रहता हूँ ना, तो आज मैंने खा लिया है। चलो बढ़िया, एनर्जी आ गई ना अभी, अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को 7:30 से 8:30 का टाइम मिलता है। अगर उसमें खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर रात के सेशन के बाद ही खाना आता हूँ। खाना तो खाया करो यार, खाने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो तुम, अपना खाना अपना टाइम पे खा लिया करो, 15-20 मिनट खाने को तो देने ही चाहिए ना, नहीं तो फिर एनर्जी कैसे आएगी? हाँ हाँ सर, अब सीधे 11 दिन दे रहा हूँ अपने आप को विपश्यना के लिए। 11 दिन लाइफ से चलो ठीक कट। है। ओके, हाँ तो 11 दिन लाइफ से कट, बिल्कुल फोन वोन भी नहीं होगा। नंबर देते हैं तो लिस्ट क्या होती है हमारी, बार बार चेंज होती रहती है लिस्ट हमारी, बार बार चेंज होती रहती है। कभी इधर से कुछ कर दिया, कभी ऊपर से कुछ कर दिया, यही सब चलता रहता है लिस्ट में। और इनमें क्या होता है कि हम जब भी इसको चेंज करते हैं ना, मान लीजिए ये डिलीट कर दिया, या कोई भी यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, देन हमें बार बार ये नंबर ठीक करने की जरूरत होती है। प्रैक्टिकली यही काफी कंफ्यूजिंग होता है, मतलब बार बार ये हमें परेशान करता रहता है सीरियल नंबर। तो आज सीरियल नंबर को ऑटोमेट करते हैं जरा सा। अब देखिए, यहाँ पे इस सीरियल नंबर की जगह मैं क्या करूंगा, एक रो का फंक्शन दूंगा। रो एक्चुअल में क्या है कि आपको रो नंबर ही रिटर्न करता है, रो का फंक्शन। अब वैसे रो का फंक्शन डाल देंगे तो आपको करंट रो नंबर रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। ये रो नंबर रिटर्न कर रहा है, पर अगर रो ठीक में है। किसी का रेफरेंस ले लेंगे तो ये उसका रो नंबर रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे मैंने इनमें से एक सिलेक्ट किया, इसको जब डाला तो इसने उसका रो नंबर मुझे रिफ्लेक्ट कर दिया कि 2 है, ठीक है। ठीक है जी। अब बात आती है कि इसमें जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई, मुझे कुछ डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। मैंने यहाँ से डिलीट किया, देखिए सब कुछ ठीक है, रो नंबर, क्योंकि रो तो वही की वही रहेंगी, तो इसलिए हमारा जो ये नंबर है ये चेंज नहीं होंगे, ये मतलब चेंज हो जाएंगे अपने ऑटोमेटिक। 10 है तो 10 ही दिखाएगा, ठीक है ना। सही है। पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरी लिस्ट शुरुआत यहां से होती है, प्रैक्टिकली यहीं से होती है, कहीं से भी होती है, ऊपर नीचे डिफरेंस रहता है। फिर हमारा एक लॉजिक इसमें जागता है कि हम इसमें ऊपर वाले को माइनस कर दें, -5 जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। रो अगर 6 रिटर्न कर रहा है, 5 माइनस कर देंगे तो 1 ही देगा। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देते हैं तो ये सीरियल नंबर हमारे यहां से हो जाएंगे, हमें ऊपर वालों की जरूरत नहीं, सही है। ठीक है सर। अब इस लिस्ट का फायदा ये रहेगा कि जब भी मैं कोई डिलीट वगैरह करता हूँ इसमें, तो फिर मेरे नंबर जो है वो सेफ रहेंगे, मतलब सीरियल नंबर बार बार चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, ओके ठीक है जी। अभी भी मजा नहीं ठीक आ है। रहा है तो थोड़ा सा एक और चीज कर देते हैं इसमें, एक इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं इसी कैलकुलेशन में। हमने कहा कि अगर इसके बगल वाली सेल जो है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक नहीं है, तो तब ये यहां पे काम करे, अदरवाइज ब्लैंक ही दिखाए। कर दिया, इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, और इसमें ब्लैंक नहीं है, बट जब आप वैल्यू डालते जाएंगे तो ऑटो नंबर की तरह काम करेगा। ओके, हमने इफ इफ में फॉर्मूला ये डाला कि अगर ब्लैंक है तो अपना बी नॉट सिक्स, इक्वल टू ब्लैंक है देन अच्छा फॉर्मूला ब्लैंक चला। नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, अगर ब्लैंक नहीं है तो उसको कुछ मत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई मीन टू से, अगर बी आपने लिखा, अगर जैसे बी इफ बी बी नाइन है, बी सिक्स है, अभी B9, बी B2, नाइन हाँ पे, अभी 9 पे हूँ तो B9 हाँ है अभी B9 पे, चलो जी। ठीक। अभी आपने अगर B6 में फॉर्मूला लगाया तो आपने लिखा इफ B6 नॉट इज इक्वल टू, लेस देन और मोर देन, इट मींस इफ इट इज ब्लैंक, राइट?
नॉट इक्वल टू, ये जो दो साइन आ जाते हैं लेस देन और ग्रेटर अच्छा, देन ये पे, नॉट हाँ इक्वल टू है, ठीक है जी, हाँ, इसका मतलब इफ होता है दैट नॉट इज नॉट इक्वल। इक्वल टू ब्लैंक देन रो माइनस फाइव, मतलब उसको फिर अगर वो ब्लैंक नहीं है हाँ तब उसको एक नंबर दे दो, और अगर ब्लैंक रहेगा देन, ब्लैंक रहेगा तो देन अभी तो ब्लैंक ही ब्लैंक दे नहीं दो। था, ठीक है ना, जैसे आपने प्रीति डाला उधर एक आ गया, ठीक है, हाँ और जी, हाँ जैसे जी, ही आपने एस डी एफ डी एफ कुछ भी डाला वो दो तीन चार लेना चालू हो गया, अगर ये ब्लैंक होते तो तब फिर वो क्या करता, उधर ब्लैंक ही रखेगा वो। हाँ जी सर, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ 15 नंबर पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है ना, पर यहाँ हाँ, ब्लैंक तो ब्लैंक मतलब, दिखा रहा है, ठीक है ठीक है, ठीक है ओके सर, ठीक है जैसे ही वैल्यू डालेंगे वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर, यही काम आप कॉलम से सेम भी वे किए। कॉलम में भी सेम वे रहेगा। हाँ जी सर, कॉलम के लिए कॉलम का फॉर्मूला, कॉलम जो है अपने मतलब उसमें कोई रेफरेंस नहीं डालते तो वो अपना कॉलम नंबर रिटर्न करता है, अगर किसी और कॉलम को चूज कर लेते हैं तो वहां का कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है जी, ठीक है, तो कॉलम के साथ भी यही चीज कर सकते हैं हम, सीरियल नंबर वाली अगर करना चाहें तो। ये इफ का फॉर्मूला, मतलब इफ के फॉर्मूले के साथ रो का किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये है। दूसरा है हमारे पास कॉलम्स, एक हमारे पास कॉलम है, एक हमारे पास कॉलम्स है। कॉलम्स में क्या करता है कि ये एक रेंज लेता है, रो में रेंज नहीं लेता है, रो या कॉलम में, कॉलम्स में रेंज लेता है और रेंज के एक अंदर एरेज, बताता है। एरेज एरेज मतलब एक रेंज, राइट ना, हाँ जी, हाँ जी, एक रेंज लेता है जिसमें ये बताता है कि कितने कॉलम हैं इसके अंदर। ठीक है, 5 कॉलम है। इसी तरह आपका रोज का फॉर्मूला है, रोज का फॉर्मूला भी एक रेंज लेता है और इसमें यह बताता है कि आपको कितनी रोज हैं इसके अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर। ठीक है जी, ये जैसे आपने, एरियाज में दिखाता था कितनी कितनी रेंजेस हैं, और इसमें दिखाता है कितने एक रेंज में कितने कॉलम या कितने रोज हैं, राइट ना। करेक्ट करेक्ट सर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ और फॉर्मूले। नेक्स्ट कौन सा है वो, गेट गेट व्यू डेटा, वो बाद में गेट पाइवट देखेंगे। डेटा, ये आपको जरूरत ही नहीं अच्छा, गेट पड़ेगी इसकी, पाइवट डेटा के लिए ऐसे किसी फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। पाइवट में तो आप जाके सिलेक्ट इक्वल टू लगा के कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, यही काम करता है गेट पाइवट डेटा, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा आते हैं हाइपरलिंक पे। अब सपोज क्या करते हैं, बार बार हम वेबसाइट पे लिंक बताते हैं, जैसे हाइपरलिंक लगाना है, मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाना है तो कंट्रोल के मैं करूंगा, कंट्रोल के प्रेस करूंगा या फिर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक पे करूंगा तो मेरा ये कॉलम खुल के आ जाता है सामने। अब इसमें मैं या तो एक वेब एड्रेस दे दूं यहाँ पे, या कोई फाइल चूज कर लूं, या इसी डॉक्यूमेंट में से कोई एक शीट 2 3 में से कोई रेफरेंस दे दूं, या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दूं किसी जगह पे, या कोई ईमेल एड्रेस दे दूं। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मैं वेब पेज पे आ रहा हूं, ये मैंने दे दिया google.com। अब ये बन गया मेरा लिंक। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब वैलिड क्यों नहीं है ये लिंक, आइए हाइपर लिंक करते हैं, क्योंकि इसका ये एक तो पहली बात तो यहाँ पे 3 www नहीं थे। दूसरा HTTP भी कई बार लेता है, HTTP :// इस तरह से लेता है। ठीक है जी, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल खोल के दे देगा, पर अब तो ये अपने को इसकी, आगे या पीछे अफिक्स और या प्रेफिक्स ये लगाने पड़ेंगे जाके सेटिंग्स में। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली करना क्या पड़ता है, यहां से गूगल खोल लेते हैं, ये जो है आपको ये इसका पाथ ऊपर से कॉपी करना पड़ता है इतना, ये
कहीं से आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके तब जाके डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसको कॉपी करके फिर वहां जाके डालें अपने हाइपरलिंक में जाके। हाँ, इंसर्ट हाइपरलिंक करके यहाँ एड्रेस में डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, देन ये आपको वही बार बार ठीक खोल के है, दे देगा। ठीक है जी। अब क्या है कि ये तो एक मैनुअल प्रोसेस सही है, है। पर कई बार हमें ऐसे हाइपरलिंक जो होते हैं वो ऑटोमेट करने पड़ते हैं। अब देखिए, अब मैं इसके आगे क्या कर रहा हूँ, हाइपरलिंक का एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लिंक की लोकेशन क्या रहेगी, जो मैंने वो कॉपी पेस्ट करके लाया था, फ्रेंडली नेम में मैं लगाता हूँ जो कि टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए। मैं गो लिख देता हूँ, ये तो फो लिख गया, गो लिख देता हूँ। तो अब क्या करना है मुझे, थोड़ा सा करना है इसको ऑटोमेट करना है। यहाँ पे मैंने डाला और एंड लगा दिया इसको, देन एंड लगाया, कंकेटिनेट किया और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया और इसमें से गूगल खत्म कर दिया। ठीक है जी। अब क्या कर रहा है ये, मतलब पाथ वही है, बीच में से गूगल रेडिफ याहू शिफ्ट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा। अब ये क्या कह रहा है, इस वैल्यू के बेस पे जाएगा इसे हाइपरलिंक। क्या दिखा रहा है, एक मिनट, फॉर्मूला को अगर रीड करें तो कैसा रहेगा? अभी हाइपरलिंक जो हमने सेटिंग दी थी भाई, इस गूगल अगर जहां भी लिखा है उसको एज ए हाइपरलिंक जाके उसमें डायरेक्ट https://www.google.co.in में जाके डायरेक्ट साइट दिखाएगा, राइट ना? हमने पहले ऐसा किया था। हाँ, मैं इसे कॉम कर देता हूँ क्योंकि कॉम सबसे कॉमन है। ठीक है जी। क्योंकि डॉट को डॉट इन भी कई बार एरर ले सकता, कॉम कॉमन है, हर बड़ी साइट में कॉम जरूर होता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये गूगल खोल देता है पहली बार, रेडिफ पे क्लिक करूंगा, बट इसका फायदा क्या हो रहा है हमें? गूगल को हमने गो में कन्वर्ट कर दिया, अपने क्या फायदा हो रहा है? गूगल को सीधा रिप्लेस में भी कर सकते थे कि गूगल को गो से रिप्लेस कर दो, बाकी फिर हाइपरलिंक लगा देते, वैसे नहीं चलता। देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, याहू भी खुल गया। बात ये है कि ये जो हमारा साइट है ये कहीं से भी आ सकती है, ये मैं किसी फॉर्मूले के थ्रू जनरेट करवा रहा हूँ या किसी भी के थ्रू कर रहा हूँ। मेरे पास हजारों साइट्स की लिस्ट है। अब मैं कोई सर्चिंग ऑप्शन बनाता हूँ कि उसमें से मुझे सर्चिंग साइट्स दे दो, खाली कौन सी दे दो? हाँ सर्च करने वाली, मतलब हाँ कुछ ठीक कुछ, है, तो वो मुझे इस तरह की साइटें रिटर्न करेगा और इसका जो हाइपरलिंक है वो ऐसे चलेगा। अब मैं क्या ठीक करता है। हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको बदल देता हूँ किसी साइट में, स्नैप डील। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये स्नैप डील की खोलेगा मेरे सामने। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और कर देता हूँ इसको, इस लिस्ट को मैं कर देता हूँ कहीं और, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब ये लिंक तो वही है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, बाकी भी हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में चूज करूंगा लिस्ट, लिस्ट में चूज करूंगा सोर्स, सोर्स में क्या चूज करूंगा, ये साइट्स, साइट की लिस्ट मैंने चूज कर ली, ओके किया। अब क्या आया, इसके बगल में मेरे पास यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आ गया, स्नैपडील जाना चाहता हूँ, गो। ओके, ठीक है जी। यहीं से सिलेक्ट इसमें करूंगा। एन नंबर ऑफ साइट्स हो सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी, आई थिंक अगर हमारे पास 50 साइट हैं तो सब 50 साइटों के नाम अगर मैं एक कॉलम में डाल दूं हाँ जी, और हाँ जी, फिर उसमें एक में ही हाइपरलिंक लगा के और उसको बोल दूं कि भाई
एक ही सेल में जाके उधर ये फॉर्मूला लगाऊं हाइपरलिंक का, और साथ में ये भी डाल दूं कि भाई इसको कहाँ जाना है इन द सेंस, तो और उसमें और जो हमने डॉट कॉम रखा है डॉट कॉम एज इट इज रखेगा, बाकी गूगल की जगह जो भी साइट आएगी वो उसको पकड़ के डायरेक्ट देगा, तो फिर ड्रैग कर दूं तो फॉर्मूला लग जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ ये वाला फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, हाइपरलिंक https देन स्लैशेस www डॉट। अब ये जो आप e6 दे रहे हैं e6 एंड ये कौन सा कंकेटिनेट है ये? हाँ जी, एंड जो है एट ई सिक्स कंकैटिनेट कर एंड रहा है e6 को, यानी जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो इसमें एक टेक्स्ट फॉर्म कर रहा है, एक वेब एड्रेस टाइप का। और जो ये फ्रेंडली नेम देख रहे हैं आप, ये गो, ये मैंने इसका नाम दिया कि क्या इस पे दिखाना चाहिए, इसलिए ये मुझे गो दिखा रहा है। नहीं, वो ठीक है, गो पे अभी जाएंगे। हाँ गो उसको दिखाना चाहिए, लेकिन ये एंड e6 एंड जो लिखा है हमने वो लिखा हुआ है e6 फॉर्मूले पे पे दे रहे जाएंगे हैं, संदीप, एक मिनट, गो वाले पे। फॉर्मूले पे हूँ मैं सर, ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, नहीं अभी मुझे फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा कुछ भी। ऊपर देखिए यहाँ पे, ये रहा ना फॉर्मूला। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, राइट, अब ये दिख रहा है हाइपर लिंक एंड e6 एंड। अब ये एंड e6 एंड जो हमने लिया है वो उसको हम रीड कैसे करें? कंकेटिनेट किया है ना सर, जैसे मेरा शुरुआती एड्रेस यहाँ पे हो गया गूगल गूगल डॉट, यहाँ बीच की वैल्यू मैं चेंज करा रहा हूँ, और डॉट कॉम मैंने बाद में ले लिया, अच्छा, समझ गया हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। कंकेटिनेट कराया ना मैंने इसको, ये बीच वाली वैल्यू एंड से और इसमें। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू डालूंगा वो वैसा एड्रेस क्रिएट कर देगा। हाँ ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। तो वहां आपने जस्ट जो है एंड ई सिक्स करके ड्रैग कर दिया है, अब e7 e8 में जो जो आता जाएगा वहां पकड़ लेगा अपने आप। E7 E8 में नहीं आ रहा सर, इसमें ना मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, सेम में मुझे लिस्ट इफेक्ट दे रहा है, इस लिस्ट में मैं चूज कर सकता हूँ, ये जो बटन है ना इससे क्लिक करूंगा कोई भी, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा। हाँ, यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी आपने डाला ही हुआ है कि हाँ एंड e6 एंड का जो फॉर्मूला है उसमें e6 ही रीड करेगा, हाँ तो जो e6 रहेगा वो उसको पकड़ लेगा, राइट ना? करेक्ट सर, ठीक है, समझ गया मैं। तो ये आपका फॉर्मूला काम आएगा VBA में अच्छा खासा। हाँ ये अच्छा फॉर्मूला लग रहा है, काम आना चाहिए, सही है। करते हैं सर इसमें और फॉर्मूला देखते हैं, लुकअप एंड रेफरेंस में हाइपरलिंक का काफी यूजफुल है, कर सकते हैं। देन एक फॉर्मूला और है, जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ये वर्टिकल में है या हॉरिजेंटल में, इनका हमें बस वो चेंज करना है ऑर्डर। देखिए पेस्ट स्पेशल में मैंने ट्रांसपोज आपको बताया था, हाँ पे स्पेशल में रहता ही है, ट्रांसपोज ये बताया कैसे था, अलग है उसमें? पर पेस्ट स्पेशल में जब हम ट्रांसपोज करते हैं, मैं आपसे ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज तो कर रहा है पर यहां से मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दी तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। अब जब हमें ऐसे वो तो कोई लिंक चेंज, नहीं है ना दोनों का, हाँ तो वन टाइम हो गया काम। ऐसे चेंजेस चाहिए तो हम पहले उतनी सेल्स सिलेक्ट करेंगे जितने में फॉर्मूले जितने में ये वैल्यू आएगी, देन ठीक है, टाइप करेंगे ट्रांसपोज और ऐसा एरे चूज कर लेंगे। अब ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो एरर दिखाएगा, पर जब इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको सेम वैल्यू दिखाएगा। ठीक है सर, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही इसके आगे दो सेमी कॉलन लग जाए, कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे। इस तरह का फॉर्मूला जो है एरे फॉर्मूला कहलाता है। एरे फॉर्मूला क्या होता है कि ये आपके मल्टीपल सेल पे लगा हुआ सिंगल फॉर्मूला ही होता है, यहाँ पे देखिए ओके फॉर्मूला नहीं चेंज होगा,
जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ही फॉर्मूला तीनों पे अप्लाई हो जाता है। अब इसमें क्या खास बात है, अगर ये फॉर्मूला है तो अगर मैं इसके बीच की वैल्यू चेंज करता हूँ तो मेरी यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक ओके है सर, इस तरह से ये यूजफुल है क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है, तो आप इसमें से क्योंकि ये मल्टीपल सेल पे लगा हुआ है, इन तीन सेल पे इकट्ठा एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप इसे बीच में से डिलीट नहीं कर सकते। कहीं से भी आप डिलीट प्रेस करें वो डिलीट नहीं होगा। इसको अगर आपको ओके डिलीट करना है तो फुल सिलेक्ट करके ही डिलीट कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता ओके नहीं बट है। अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में क्या है, जस्ट ट्रांसपोर्ट करके और वो रेंज सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। यस सर, बस और ये जो ब्रैकेट्स आ रही हैं पीछे लास्ट में इसी इसी फॉर्मूले में, ये ऑटोमेटिकली आती हैं बाय फॉर्मूला? जब आप किसी भी फॉर्मूले में कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा देंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा ठीक है। एरे स्पेशल टाइप के फॉर्मूला होते हैं, पर ये आप किसी भी फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। सपोज मैं कंकैटिनेट का फॉर्मूला लगाता हूँ, ए बी सी, मतलब ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले का। जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो इसके आगे पीछे सेमी कॉलन लग जाएगा। जब बट इस आप ब्रैकेट का क्या मतलब क्या रहेगा अगर मैं नहीं लगाता मान लो ब्रैकेट? तो ये कई फॉर्मूले जो आपके एरे फॉर्मूला होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। जैसे ट्रांसपोज है, अगर मैं इसको मान सिंपल लो इसमें वे, ब्रैकेट नहीं लगाओ ट्रांसपोज में, सपोज हाँ ट्रांसपोज में मैंने ब्रैकेट यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली पर सिंपल बस एंटर अभी प्रेस एंटर किया मार तो दो, एरर दिखाएगा। ये एरर क्यों दिखा रहा है ट्रांसपोज में? एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे नहीं दिखने का, हमारे को ब्रैकेट चाहिए ही। ट्रांसपोज क्या कर रहा है सर, ट्रांसपोज जो है एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर्मूला है तो एक ही वैल्यू देगा, ये मल्टीपल वैल्यू तो दे नहीं सकता है जी। सम है तो सम देगा, एवरेज है तो एवरेज देगा, काउंट है तो काउंट देगा, एक ही बार देगा। पर ट्रांसपोज का टास्क यहाँ डिफरेंट हो रहा है कि इसे पूरी लिस्ट अलग हॉरिजन में देनी है। ओके तो अगर ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कहाँ करे, इसीलिए ये वैल्यू का एरर आई है इसमें। अब मैंने इसे प्रॉपर स्पेस दे दिया कि इन तीनों में दे, या अगर मैं इसी में ही F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देता हूं तो ये मुझे पहली वैल्यू यहां देगा, बाकी जो वैल्यू आ रही होंगी इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है अदर सेल में, पर जितना सिलेक्ट करके आपने जहां फॉर्मूला लगाया होता है सिर्फ उन्हीं में देता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके पूरा एरिया दे देता हूँ, F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो ये जहां तक वैल्यू है वहां तक वैल्यू देगा, बाकी में एरर देगा कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्या दूं। अब ऊपर चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगी वैल्यू ऑटोमेटिकली। यस सर, अब ऊपर कोई ठीक भी है चेंज करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो ये एरे फॉर्मूला का जस्ट इंट्रोडक्शन है। यहाँ से एरे की हमारी सेपरेट क्लास होगी। एरे बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले हैं, और जहां आपके सारे फॉर्मूले फेल हो जाएं तब एरे की शुरुआत होती है। समझ गया, जस्ट 1 मिनट सर। ओके सर। हाँ हाँ चलिए चलिए। तो अब हाइपरलिंक के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इनडायरेक्ट का मैंने बताया क्या आपको? इनडायरेक्ट नहीं बताया अभी। नहीं इनडायरेक्ट नहीं बताया। अब देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको एड्रेस का। हाँ एड्रेस का सबसे पहला था बताया था। एड्रेस का फॉर्मूला तो एड्रेस क्रिएट करता है, पर एड्रेस एज ए टेक्स्ट क्रिएट करता है। अब इसको आपको एक्चुअल एड्रेस की तरह फील करना हो तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, जो किसी भी टेक्स्ट को एक रेफरेंस में चेंज कर देता है। ठीक है जी, अभी 0 दिखा रहा है, यहाँ B1 है। ठीक है सर,
यहाँ पे देखिए, जाओ B1 में जो वैल्यू है सिलेक्ट ऑफ वो हाई। F9। ओके ओके समझ गया समझ गया। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस क्रिएट करता है C1। अब C1 में अगर कुछ लिखूंगा तो अब यहाँ C1 का आ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जस्ट टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। अब जो बचे हुए फंक्शन है वो सारे हमारे वी लुकअप से रिलेटेड है। ये मैच ऑफसेट वे सब वी लुकअप से है। सब मतलब ये आपका लुकअप, मैच, ऑफसेट, वी लुकअप, एच लुकअप, ये अब सारे एक ही टाइप के फंक्शन है जो एक ही काम करते हैं। इनको चलिए इनका फंक्शनल बिहेवियर जानना पड़ेगा उससे पहले कि कैसे कैसे वर्क करते हैं ये। सपोज हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज है समथिंग, नेम ये हमारे पास कुछ डेटा हो गया। वी लुकअप कैसे यूज करेंगे, जैसे आपके आपको कुछ डेटा में से पहले अभी कभी यूज किया है आपने वैसे वी लुकअप? नहीं, यूज नहीं किया, बट रीड करते हैं कई बार। वी लुकअप में क्या होता है सर कि जैसे आपको कई बार क्या होता है, हमारे पास लंबी लिस्ट है, कोई कोई भी डेटा है हमारे पास, एम्प्लॉयज का डेटा है। अब जहां तक बात हो रही है दो तीन एम्प्लॉयज की, तो हम वैसे भी सर्च करके उनका डेटा निकाल सकते हैं कंट्रोल एफ के जरिए, या फिल्टर यूज करके उनका डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। बट जब ये लिस्ट हजारों में हो और आपको जो ढूंढनी है वो वैल्यू वो 100-150 में, हंड्रेड्स में हो, तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड वाला मेथड आपका। उस समय हम क्या यूज करते हैं, वी लुकअप। वी लुकअप का की बनावट कैसी है, जब हम वी लुकअप टाइप करते हैं फर्स्ट वन ये कहता है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है। लुकअप वैल्यू है कि आपने ढूंढना क्या है। पहला हमने कहा कि एम्प्लॉय आईडी है, और हाँ जी ये लुकअप वैल्यू ऐसी चीज होनी चाहिए जो जो कि इसमें यूनिक हो। यूनिक क्यों, क्योंकि अगर यूनिक नहीं होगी तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू का डाटा उठा के दे देगा, सेकंड वाली को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक ठीक है, है जी। जैसे अभी इसमें F2 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है सब यूनिक होने चाहिए। हाँ जी, यूनिक होने चाहिए। दूसरा टेबल एरे, जिसमें आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ्ट मोस्ट होगी, मतलब सबसे जो पहली वैल्यू है सर, सबसे जो पहला कॉलम है वो इसी आईडी का ही होना चाहिए, तभी ये इसमें ढूंढेगा। अगर आप इसको यहाँ नेम से सिलेक्ट कर लें तो आईडी तो इस डेटा में है नहीं, अब पहले में देखेगा तो ये नेम से सर्च करेगा, फिर मतलब आईडी नेम में ढूंढेगा तो मिलेगी नहीं। तो पहला कॉलम हमारा वही होना चाहिए जो कि लुकअप वैल्यूज की जो वैल्यू हम उसमें ढूंढना चाह रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी में ही मिलेगी, ये पहले नंबर पे ही होना चाहिए। ठीक जी। तो टेबल एरे में हमारा क्या आ जाता है, पूरा डेटा आ जाता है जिसमें से हमें सर्च करना है। देन नेक्स्ट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है
इस डेटा के अंदर जो कॉलम है उनका इंडेक्स नंबर यानी कि उनका पोजीशन, जब डेटा ये सिलेक्टेड है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारी एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड पे नेम है, थर्ड पे सेल्स है। अगर हमने खाली नेम से सिलेक्ट किया होता इधर से तो ये डेट नेम जो होता हमारे फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे होता, सेकंड सेल्स होती। ठीक है जी, तो इस हिसाब से अब मुझे क्या ढूंढना है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर पे डिपेंड करता है। आईडी तो मैंने फाइंड कर ली कि चलो ये आईडी यहाँ पे मिल गई मुझे, अब उसमें से देना क्या है, उसमें रिटर्न क्या करना है, क्योंकि उसके पास तो यहाँ है उस डेटा में तीन वैल्यू है, एक तो एम्प्लॉय आईडी है, एक नेम है, एक सेल्स है, तो उसमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ कॉलम इंडेक्स देंगे यानी सेकेंड कॉलम इंडेक्स मतलब नेम, क्योंकि तो ये दूसरे नंबर पे कॉलम, तो हम दो दे देंगे। अगला पैरामीटर जो होता है रेंज लुकअप, ट्रू और फॉल्स। ट्रू में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच होता है, मतलब मिला मिला ठीक है, नहीं मिला तो आसपास की वैल्यू दे देंगे। और फॉल्स में होता है एग्जैक्ट मैच, जहां ये आपको एग्जैक्ट ही मैच करके देगा, मतलब ये अगर उसमें होगा तभी रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हम हमेशा इस केस में फॉल्स ही यूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, नेम निकल आया। अब सेल्स निकालने के लिए दोबारा वही मेथड लगाते हैं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी हो गई, टेबल एरे हो गया हमारा, कॉलम इंडेक्स सेल्स के लिए क्या करेगा, 1 2 3, थ्री कॉलम इंडेक्स एंड फॉल्स रेंज लुकअप। तो आपके पास यहाँ सेल्स निकल आए, अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला को थोड़ा फिट। अभी इसमें वी लुकअप में अभी सेल्स में उसने क्या लिया है, वी लुकअप में गए F2 ले लिया हमने, F2 चलो एक रेफरेंस के लिए ले लिया F2 भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, आईडी ठीक है। आगे A1 ले लिया हमने, A1 से C10 ले लिया, वो हमारी रेंज आ गई ठीक ये है। फुल डेटा आ गया। हाँ फुल डेटा। उसके बाद ये 3 क्या है, ये कॉलम नंबर 3 है क्या, या क्या समझे उसको, तीन इसको क्या है ये। आप जो ये टेबल सिलेक्ट करेंगे इसमें तीसरे कॉलम पे, क्या इसमें तीसरे कॉलम पे, इसमें तीसरा ती कॉलम मतलब सी हुआ ना वही। यस मतलब सी तीसरा कॉलम इसलिए है क्योंकि डेटा मैंने ए से सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इस डेटा को थोड़ा खिसका दूं और नेम से सिलेक्ट करूं तो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ठीक है मैं जी, इसमें फिर दो डालूंगा। हाँ, हमारे सिलेक्शन में जो है वो कौन से कॉलम पे है, कि ओके ये ओके नहीं कि सिलेक्शन में कौन से कॉलम, हाँ जी एक्सेल ठीक है शीट में कौन से कॉलम पे, ये नहीं सिलेक्शन में कौन से कॉलम पे। ठीक है जी, तो ही वो रिजल्ट देगा। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ठीक है। इसकी वैल्यू को फिक्स करना है। अगर मुझे ड्रैग करना है तो मैं ये लुकअप वैल्यू में एफ के आगे मतलब कॉलम के आगे पहले तो वो लगा रहा हूँ डॉलर, क्योंकि तो जब मैं इस वैल्यू को ड्रैग करूं तो ये कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। हालांकि रो पे नहीं लगा रहा हूं क्योंकि जब मैं नीचे खींचू तो रो चेंज होनी चाहिए, ये वैल्यू बदल के ये आनी चाहिए। दूसरा, डेटा फुल्ली फिक्स होगा क्योंकि डेटा मैं नहीं चाहता कि हिले। अगर नीचे खींचूंगा तो ये डेटा खिसक खिसक के नीचे आ जाएगा, इधर खींचूंगा तो खिसक के आगे चला जाएगा, तो कॉलम इंडेक्स बेकार हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसी लॉकिंग लगाता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले लुकअप में लॉकिंग करने के बाद उसको ड्रैग करूंगा और यहाँ जाके कॉलम इंडेक्स चेंज करना मेरे लिए आसान है, तो ये चेंज किया आ गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ठीक है जी, तो आपका ये डेटा आपको सामने आ जाएगा, इस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जब आपकी एम्प्लॉय आईडी चेंज होती है तो ये डेटा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो वी लुकअप इसीलिए यूज होता है, समझ गए वी लुकअप की फंक्शनैलिटी क्या कहती, इसमें कितने कितने कॉलम्स हो सकते हैं, है ना, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। एन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये यूजफुल रहेगा आई थिंक, सबसे ज्यादा यूज भी यही रहता होगा इतना। हाँ, सबसे ज्यादा यूजफुल यही रहता है। इसके मैं आपको और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, अगर आपको इसके अच्छे से मतलब इस फंक्शन में अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो YouTube पे आप एक वीडियो देख लीजिएगा, 26
करके वी लुकअप डालिए, क्योंकि उसमें वी लुकअप के 26 मेथड बताए गए हैं, अलग अलग 26 तरीके से वी लुकअप कैसे यूज होगा। डे 26 यूज करेंगे तो एक्सेल इज फन में वी लुकअप फंक्शन बिगनर टू एडवांस 26 एग्जाम्पल, 26 एग्जाम्पल बताएगा, एक घंटे की वीडियो है, ठीक है जी। वी लुकअप की सबसे पावरफुल वीडियो है और वी लुकअप को मास्टरी करने का सबसे पावरफुल तरीका है। हालांकि मैं उसके अलावा भी और एडिशनल ऑप्शन बताऊंगा आपको कि और वी लुकअप कैसे यूज किया जाता है। अब मान लीजिए, अब तो हमने कर लिया वी लुकअप, मान लीजिए डेटा आपका ट्रांसपोज होके पड़ा हुआ है, आपका डेटा ही इस तरह से है, मतलब जो कॉलम था वो अब रो बन गया, जो रो था अब कॉलम बन गए ट्रांसपोज में, पर डेटा आपको इसी तरीके से चाहिए। यहां पे जब आपका डेटा मतलब अपने डायरेक्शन चेंज कर चुका है, वहां आप एच वी लुकअप की जगह एच लुकअप यूज कर सकते हैं। वी लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुक, वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है, ये एच लुकअप हो जाएगा, ठीक है जी। तो एच लुकअप में क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू यही रहेगी, टेबल एरे हमारा ये हो जाएगा। अब उसमें कॉलम इंडेक्स था, यहां सर रो इंडेक्स है, ठीक है जी, काम सेम है। अब रो इंडेक्स क्या होगा, नेम लेना है तो सेकंड रो आ जाएगी, सही है, देन फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, बाकी सब सेम है। ये आपके पास आ गया, लॉकिंग उसी तरीके से करेंगे इसकी, यहां पे डेटा को फुल लॉक करेंगे, ठीक है जी। इसमें से यहां पे जाके मुझे रो इंडेक्स चेंज करना है खाली, और ड्रैग। इसमें लुकअप वैल्यू ऑल द टाइम एम्प्लॉय आईडी रहेगा, मतलब हम अगर एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो आपका नाम भी चेंज होगा, सेल्स भी चेंज होगी। करेक्ट, अगर हम नाम को चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नाम तो सर एक फॉर्मूला है, सपोज मैं संदीप की जगह उसमें लक्ष्मी लिखता हूं, तो क्या मेरा एम्प्लॉय आईडी चेंज होगा इस केस में या नहीं होगा? नहीं सर, देखिए फॉर्मूला खाली रिजल्ट देता है और जिसका रेफरेंस ले रहा है उस पर कोई चेंज नहीं होता। यू मीन टू से नहीं चेंज होगा फिर, मेरे को हमेशा एम्प्लॉय आईडी चेंज करूंगा तभी वो चेंज होता रहेगा ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका जो, क्योंकि मैंने वी लुकअप, मैंने लुकअप वैल्यू ये वाली लिया इसीलिए, राइट? हाँ जी, आपका जो अगर मैं एक्सेसिबल वी लुकअप वैल्यू संदीप, मैं अगर वी लुकअप वैल्यू ये करता हूँ, मान लो नेम कर देते हैं तो हाँ नेम कर देता हूँ, उसमें नाम चेंज करूंगा तो एम्प्लॉय आईडी अपने आप चेंज हो जाएगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, पर उसके लिए जो एम्प्लॉय आईडी है उसे इधर के कॉलम में होना चाहिए। ओके ओके, वो कंटिन्यूटी में रहने चाहिए, हाँ जी सो हाँ जी दैट आप हमने बता सके उसको फर्स्ट है कि सेकंड है या थर्ड है। हाँ जी हाँ जी, मतलब उस समय आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ होना चाहिए, तब आप नेम से फाइंड कर सकते हैं सेकंड कॉलम इंडेक्स। आप इसमें माइनस में नहीं जा सकते? हाँ माइनस में भी ले जा सकते हैं, राइट, नहीं माइनस जरूरत में, नहीं है फिर, दोनों कंटिन्यूटी में होना जरूरी नहीं है ना? माइनस में नहीं जा सकते, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा माइनस में नहीं जा सकते, हाँ जी, ये ओके लिमिटेशन है वी लुकअप के साथ, ठीक है ठीक है ठीक है जी। बाकी के फॉर्मूले मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है वी लुकअप और एच लुकअप, उनके सबसे आसान फॉर्मूले हैं। इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं उनको मैं कंबाइंड करना शुरू करूंगा वी लुकअप के साथ ही, ठीक है ठीक है संदीप, ठीक है ठीक सर। है, फिर कल मिलते चलो हैं सर। थैंक्स थैंक्स संदीप।